like a bell cut. गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अमन कनेक्शन। तो आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आपको अपना डेली रूटीन दिखाने के लिए कि कैसे एक आईटी गाय का डेली रूटीन में क्या क्या रहता है। तो उसके लिए मैं घर से पहले मेट्रो लेता हूँ, आधे रास्ते तक मेट्रो से जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी का कैब मुझे आधे रास्ते से पिक करता है। तो केशवपुरम मेट्रो उतर के मैं वहाँ से आगे कैब लेता हूँ। तो केशवपुरम मेट्रो स्टेशन उतर के मैं अपना नीचे जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मेरी कैब कहाँ तक पहुँची है। मोस्टली ऐसा होता है कि कैब मेरा वेट कर रही होती है, बट आज कुछ अपडेट पता नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन में भी नहीं दिखाई दे रही है। और जब मैं नीचे पहुँचा हूँ तो मुझे कैब भी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए मुझे अपने ड्राइवर को कॉल करना पड़ा। और कॉल करके पता चला कि मेरी कैब थोड़ी आगे पार्क कर रखी है उसने। तो अब मैं वॉक करते हुए अपनी कैब की तरफ जा रहा हूँ, उसे बोर्ड करके अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। सक्सेसफुली मैंने बोर्ड कर दी और फाइनली अब मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूँ। यहाँ सबसे पहले गार्ड आईडी कार्ड चेक करता है, जिससे जो मैंने इसको विंडो से ही दिखा दिया, तो उसने हमें अलाउ किया अंदर जाने को। ये हमारा ड्रॉप एरिया है, यहाँ तक हमें कैब मिलती है। कैब वाला हमें यहाँ उतार देता है और यहाँ से अब हमें अपनी बिल्डिंग में जाना होता है। उससे पहले एक कोविड प्रोटोकॉल चेक सेंटर है जहाँ पे सारी प्रोटोकॉल चेक करी जाती है, लाइक आपको फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, मास्क पहना है कि नहीं है। तो वो सब कंप्लीट करके अब मैं अपने टावर 6, जो ये मेरा टावर है, इसमें एंट्री करूँगा। तो ये बहुत ही सिक्योर गेटवे है, यहाँ पे हम एक्सेस कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। और इसको पार करके एक और सिक्योरिटी चेक है जहाँ पर आपके लैपटॉप बैग्स वगैरह चेक होते हैं। सो फाइनली सारे चेकअप्स के बाद मैं अपनी लिफ्ट लॉबी से होते हुए अपने फ्लोर पे पहुंचता हूं। और जब मैं फ्लोर पे पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि फ्लोर पे मैं अकेला हूं, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां मंडे को लोग अवॉइड करते हैं ऑफ़िस में आना, बहुत कम लोग आते हैं। यूजुअली 2 दिन ही ऑफिस आते हैं, जिसमें वो ट्यूसडे और वेडनेसडे आते हैं। तो इस फाइनली ये मेरा वर्क स्टेशन है और उसके जस्ट नेक्स्ट में बहुत ही सुंदर विंडो है जहाँ से मुझे ग्रीनरी और रोड साइड व्यू मिलता है। सो गाइज अब मैं ऑफिस में पहुंच गया हूं, तो अपना आप सारा पेंडिंग काम चेक कर लेता हूं, कोई न्यू मीटिंग है वो सब चेक करने के बाद आपको दोबारा मिलता हूं। सो गाइज डेली मॉर्निंग में मेरी एक मीटिंग रहती है जो लगभग 1.5 से 2 घंटे चलती है। तो अभी फ़िलहाल मैं उस मीटिंग को ज्वाइन करने जा रहा हूं और उस मीटिंग में ऑलमोस्ट सभी ने ज्वाइन कर लिया है। अब बस मैं स्टार्ट करके मीटिंग अपना काम को निपटा के दोबारा आपसे मिलता हूं। Hey guys, what are you doing? Hello. Good morning, sir. Yeah, good morning. Sir. Good morning. Good morning. Everyone. Yeah, good morning. Everyone ready? तो गाइज ये मीटिंग मेरी लगभग 1.5 घंटे चली और इस मीटिंग में मैं भी जो भी काम थे और जिसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने थे वो दे दिए और उसके बाद मैं फ्री हो गया। और फिर वहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अपना बीच में लंच से पहले एक मील लेता हूँ और ये कह लो स्नैक लेता हूँ। तो बस उसके लिए मैं अपने ब्रेकआउट की साइड जाता हूँ और वहाँ पे अपना स्नैक्स कंप्लीट करके दोबारा बाकी का पेंडिंग काम कर। और ये है हमारा ब्रेकआउट जहाँ पे बहुत ही सुंदर सेटिंग अरेंजमेंट है, आप आराम से यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी के साथ गप्पे मार सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे अरेंजमेंट है चाय कॉफ़ी का, उसके लिए आपको यहाँ पे ग्लासेस एंड कप्स का रैक दिख जाएगा। यहाँ से अपनी कप उठाइए और आप मशीन आपके हवाले, आप मशीन में जो चाहें जैसी चाहें कॉफ़ी पिए, टी पिए, मिल्क भी मिल सकता है इसमें, तो इट्स अनलिमिटेड फॉर एम्प्लॉयज़। आप जो चाहें वो चाय पी सकते हैं यहाँ, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद हो। तो फ़िलहाल मुझे तो चाय पीनी है तो मैंने चाय ले ली, डबल कड़क बनाने के लिए 2 टी बैग्स यूज़ कर लिए, तो अब मेरी चाय ज़रा कड़क होगी। घर से तो मैं कॉर्न्स लेकर ही आया हूँ, तो कॉर्न और चाय का मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। कॉर्न भी बड़े अच्छे बनाए, हेल्दी बनाए, लाइक ये कोई बटर में नहीं है, सॉटे करे हुए नहीं है, ये बॉइल्ड है और उस पर चाट मसाला लगा है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी, तो आप सब जानते हैं कि है ये बहुत हेल्दी। तो ये फ़िलहाल मेरा एक छोटा सा स्नैक था जो लंच से पहले मैंने लिया है।
अब इसको खाने के बाद मैं अपना बाकी थोड़ा और पेंडिंग काम करेंगे, और वो काम करने के बाद फाइनली अब ये खाना खाने के बाद मुझे क्या है, भूख जल्दी नहीं लगती है स्नैक के बाद। तो अब मैं मीटिंग में अगर फंस भी गया 2 या 3 बजे तक भी लंच नहीं कर पाया तो भी चलेगा, मेरे को भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए ये स्नैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लंच से पहले। अब ये स्नैक हो गया है तो अब चलते हैं अपने OMC। फाइनली गाइस अपने डेस्क पे आने के बाद मैंने चेक करा तो कुछ काम है मुझे, तो आप लोग बने रहना, और आप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं अपना काम पेंडिंग काम निपटा के आपको दोबारा मिलता हूँ। तो गाइस नाउ इट्स आर लंच टाइम, अब हम जा रहे हैं लंच पे, और जहाँ मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे दो कलीग सुमित मेहरा प्रेम। हम लोगों का मोस्टली टाइम साथ में बीता है, और हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया में ही मैं अपना टिफिन लेकर आया हूँ, और ये लोग खाएंगे यहाँ एचिल का माल और ये लोग रोज एचिल का माल खा खा के ना हेल्दी मोटे मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, देखो हेल्दी नहीं हो रहे, इनका इनका टमी नहीं हो रहा, सल्तनत अच्छा सल्तनत है आपकी, सल्तनत छोटी क्यों है फिर? अच्छा अभी अभी ज्वाइन किया, अभी इनका अभी हुआ है एक्चुअली, इनका अभी स्टार्ट हुआ है सल्तनत। आज क्या खाने वाले हो? मैं प्लान कर रहा हूँ थाली के लिए, थाली के लिए, और बड़े सल्तनत के मालिक सहनशाह सॉरी यार वो सोचना पड़ेगा क्या ही खाया। अरे आप तो घर से ले आए हो, भाभी जी भेजती नहीं है बना के? अरे यार वो भाभी के आपका खाते खाते थक गए और रोज रोज वही खा रहे। तो गाइज लंच के लिए अभी मैं जा रहा हूँ कैफेटेरिया 2 में, और एचिल के पास ऐसे टोटल 3 कैफेटेरिया हैं, और कैफेटेरिया 3 तो सबसे बड़ा कैफेटेरिया कहते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा कैफेटेरिया किसी आईटी कंपनी के पास है तो वह एचसीएल के पास है। इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पे कि यहाँ पे सबवे से लेके सारे ब्रांड्स के आउटलेट हैं, आप चाइनीज़ और अपना चाइनीज़ साउथ इंडियन सब कुछ हर टाइप का फूड मिल जाता है यहाँ पे। पूरा एक सेगमेंट है जहाँ पे हर तरीके की आइसक्रीम केक्स एंड एवरीथिंग जो भी बेकिंग आइटम जो भी होते हैं सारी चीज़ें मिलती है, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ पूरा सुपरमार्केट बना हुआ है, आप यहीं से सब खरीदें और खाएं। और एक गलत बात यह है कि एचएल पे नहीं करता, पे हमें खुद करना पड़ता, बट अच्छी बात यह है कि बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे है यहाँ पे, आपको रेगुलर थाली 60 रुपीज़ में मिल जाती है जो कि बहुत सस्ता है मुझे लगता है बाहर के हिसाब से। आज काम में फंस गए थे तो थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे थाली ख़त्म हो गई थी तो सिर्फ पराठे ही बचे। मैं तो अपना टिफ़िन घर से लेकर आता हूँ तो मेरे पास तो है, बट मेरे जो साथी हैं उन लोगों को खाना यहीं खाना पड़ता है, तो उनके लिए थाली ख़त्म हो गई तो वो पराठा खाएंगे, और पराठे के साथ दही लेंगे, तो उसके लिए भी जो मेरे साथ मेहरा जी थे वो दही लेने गए हुए हैं। अब जब तक वो दही लेने गए मुझे तो लग रही थी भूख, तो मैंने तो अपना खाना स्टार्ट कर दिया। हो गया लंच? हाँ जी भाजी, हाँ जी हाँ जी, और चैनल आपका? हाँ जी अमन कनेक्शन। हाँ हाय धीरज, नीरज, धीरज, धीरज, कौन से प्रोजेक्ट में आप? कार्लसबर्ग। हाँ कार्लसबर्ग, अच्छा अच्छा, अमन कनेक्शन, अमन कनेक्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ले लो ले लो, तो ले लो, थैंक यू, आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये हमारा आइसक्रीम पार्लर है, हमने डिसाइड किया कि अब खाने के बाद आइसक्रीम खाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज है, इनका एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन में ऑर्डर करो, पेमेंट भी वहीं करो, एंड आइसक्रीम वहाँ आपको काउंटर पे रेडी मिलेगी, बस उन्हें दिखा दो बिल पेमेंट हो गया है और आइसक्रीम ले लो। पेमेंट करने के बाद आइसक्रीम फाइनली हमने अपने काउंटर से ले ली, और आइसक्रीम जो उसने लगाई
वो इतनी अच्छी थी कि पूछो मत। जो जो मैंने उसको फ्लेवर बोला था उससे बढ़िया उसने फ्लेवर टॉप पे लगाया, तो जो मुझे बहुत पसंद आया, कुछ कुलकंद जैसा फ्लेवर है, मज़ा आ गया। मतलब अब मुझे अगली बार के लिए मेरी फेवरेट यही फ्लेवर हो गई है। दिल मांगे मोर। लाजवाब। चल थोड़ी देर में देखें चाय के लिए। ये हमारा टावर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे इस कंपनी के मालिक शिव नादर का ऑफिस है। तो कैफेटेरिया में खाना खाने के बाद और मस्त से आइसक्रीम खाने के बाद मेहरा जी का सिटिंग पोस्चर देखो कैसा बदल गया, ऐसा लग रहा है कि ये सोने जा रहे हैं और बस कुछ देर में बेंच के नीचे ही चले जाएंगे फिसल के। बहुत कंफर्टेबल हो गए ये, बहुत ज़्यादा। तो खाना खाने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद हम बहुत ही अच्छे मूड में हैं और अब थोड़ा सा देखो बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं अगर चाहें, टाइम फ्री हो तो। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और अब हम अपना थोड़ा पेंडिंग काम करेंगे, देखेंगे क्या कुछ काम है तो उसको करेंगे, मीटिंग्स हैं तो अटेंड करेंगे। वो सब करने के बाद थोड़ा फ्री टाइम बचेगा तो दोबारा फिर आपसे मिलेंगे। अपने सारे पेंडिंग काम निपटा कर और सारी मीटिंग्स अटेंड करके अब मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा एक वॉक करने के लिए। तो ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी बिल्डिंग्स HCL की ही हैं, और जो मैं वॉक कर रहा हूँ ये HCL का अपना कैंपस है। तो आपको बता दूं कि मुझे लगता है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस HCL के पास ही है, और ये सारी बिल्डिंग्स सारी जहाँ जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है सारा HCL ही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, ये सामने जो टावर है ये कॉरपोरेट टावर है, और ये जो हमारा कैफेटेरिया 2 है जिसमें हमने खाना खाया और आइसक्रीम खाई, इसी के ऊपर जिम भी है जहाँ आप जब भी फ्री टाइम हो तो जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, 6th फ्लोर पे, जिसके फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बैठ के थोड़ा सा एक छोटा और ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तुम लोग काम करते हो कि नहीं करते हो? ना ऐसा ही है, हल्का फुल्का काम किया, काम जो है वो सारे पूरे हैं, मीटिंग सारी अटेंड है, काम सारे पूरे हैं। अब जो फ्री टाइम थोड़ा बचा है तो बाहर निकले हैं घूमने। तो आप ये लोग ये ना समझे कि घूमते रहते हैं, वेले हैं, काम नहीं करते। एक्चुअली काम के टाइम की रिकॉर्डिंग की नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए अभी आप ये समझो काम निपटा के ही काम हो रहे हैं, आराम से शाम का मज़ा लिया जा रहा है। आप बाहर नज़ारे ले सकते हो HCL के, बहुत ही सुंदर शाम को कैसा दिख रहे हैं ये देखिए। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 सो गाइस, फाइनली आज की शिफ्ट मेरी ओवर हो गई है। अब मैं अपने वर्क स्टेशन को छोड़ के जा रहा हूँ ड्रॉप एरिया की साइड, जहाँ से मुझे कैब मिलेगी मेरे घर के लिए। तो गाइस ये यहाँ HCL का डॉग शेल्टर है, जहाँ पे बहुत सारे देसी ब्रीड के कुत्ते रहते हैं, जो कि HCL का कैंपस की चौकीदारी भी करते हैं रात में। इन सबको प्रॉपर वैक्सीनेशन भी मिलता है और खाना भी अच्छा वाला मिलता है। तो फ़िलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने ड्रॉप एरिया में, जहां पर हमें कैब मिलेगी। और इस ड्रॉप एरिया में हर टाइम लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क रहती हैं एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वैसे तो नॉर्मली मैसेज आ जाता है कि कौन से फिज़िकल ID पे खड़ी है मेरी गाड़ी, बट आज नहीं आया है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करना पड़ेगा या फिर ड्राइवर को कॉल करके पता करना पड़ेगा कि मेरी कैब किधर खड़ी है। तो बस अब ढूंढते हैं अपनी कैब को और निकलते हैं अपने घर को। ओवरऑल यही था मेरा, मेरी कंपनी में दिनचर्या, मेरा डेली रूटीन। बस अब गाइस एक बार फिर से आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वॉक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अपनी कैब को, मैंने हालांकि कॉल कर लिया है ट्रांसपोर्ट टीम को और मुझे मेरी कैब भी मिल गई है यहाँ पे, तो बस अब अपनी कैब में बैठ जाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं लगभग एंड करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा आपको इस वीडियो में
तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप में किसी को या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एचएल में जॉब चाहता है तो नीचे कमेंट करें, मैं उन्हें कॉन्टेक्ट करूँगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसको हेल्प करूँ एचएल में जॉब पाने के लिए। कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा स्कोप भी है यहाँ पर, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपके किसी को जॉब चाहता है कोई रिलेटिव जिसने हाल ही में 12th पास भी किया होगा, तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ एचएल में जॉब पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।